नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद जेपी। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ बीएसटी राजस्थान बोर्ड 2020 के बारे में। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले मार्च में दोस्तों, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ 2019 के टॉपर की हिंदी की कॉपी। हाँ दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में गणित की बताई है, इसमें मैं हिंदी बताने वाला दोस्तों। अगली वीडियो में सोशल साइंस फिर साइंस के वीडियो बताने वाला दोस्तों। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। पाओ बीएसटीसी पीटीटी राजस्थान बोर्ड सब बोर्डों का आपको एग्जाम पेपर मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जिस दिन एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले आपको पेपर मिल जाएगा दोस्तों। तो मैंने लगता है वीडियो शो करता है इसलिए आप समय से नंबर आए दोस्तों, बताने वाला हूँ दोस्तों। ऐसे देखिए, ये देखिए दोस्तों, हिंदी पेपर, ये तो हिंदी पेपर है दोस्तों 16 मार्च 2019 का। पहले इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको खंड वाइज करना है, खंड है खंड एक, खंड दो, खंड तीन, खंड वाइज कर क्वेश्चन करना है। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं आता है, आंसर नहीं आ रहा है दोस्तों, जगह स्पेस छोड़ दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे आपको तुम एग्जामिन होगा उसमें अच्छा प्रभाव रहेगा। देखिए दोस्तों, उत्तर एक, स्वतंत्रता में नारी का योगदान, उत्तर दो ब्लैक पेन से लिख के, इससे एग्जामिन को अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये देख सकते दोस्तों, ये सब दोस्तों दो दो लाइन छोड़ना है एक आंसर के बाद। ये देखिए दोस्तों, खंड तीन, अगर आप खंड वाइज भी नहीं कर सकते तो खंड एक का एक पूरा पैराग्राफ कर लीजिए सारे क्वेश्चन के लिए, फिर खंड तीन के सारे कर लीजिए, ऐसा आप कर सकते हो दोस्तों। आपको दो खंड वाइज तो करना ही होगा, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट करते हो तो आपको क्वेश्चन वाइज करना हो करते हो, उससे अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पहले इसने एक पैराग्राफ किया दोस्तों, जो गंद पन्ना आता है उसने वो किया। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और सब एग्जाम जो चेक रहेगा उसको भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। फिर इन्होंने व्याकरण की दोस्तों खंड तीन से, ये देखिए दोस्तों, फिर खंड चार में बुद्ध इसके व्याख्या की, वाक्य और प्रसंग किया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एक एक पेज की प्रसंग वाक्य की, जिसे अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर। ये देखिए देख सकते दोस्तों, देखिए दोस्तों, फिर आंसर किया दोस्तों, ये देख सकते हो दोस्तों। इधर तो आपको एप्लीकेशन ऐसे लिखनी है, और आपको अगर निम्नत आ जाता है तो निम्नत वाले क्वेश्चन आपसे लास्ट में कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसे टाइम लगता है, सोचने में टाइम लगता है दोस्तों, इसलिए इसको आप लास्ट में करना चाहिए दोस्तों। एक दो पेज बढ़ नहीं चाहिए आपको, इसलिए इसने भी लास्ट में किया दोस्तों। ये देख सकते हो दोस्तों, इसने तीन पेज का किया दोस्तों, ये देख सकते, तीन पेज का निम्न लिखा, एक पेज का एप्लीकेशन लिखी, बाकी गंद पंद में किया दोस्तों। ये देख दो, 21 पेज में पूरा पेपर दिया दोस्तों। आप पेपर नहीं भरने दोस्तों, जो स्टिक आंसर वही भर सकते हैं दोस्तों, निम्न भी आप पेपर भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हिंदी में आपको स्टिक आंसर लिखना पड़ता है, एक ही लाइन के आंसर आते हैं दोस्तों अधिकतर। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।